हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। देखिए गाइस, खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है ये 16 अगस्त 2020 को होनी है। समय बहुत ही कम है, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर विशेष ध्यान दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? सबसे कम होती है ये पूछ रहा है। तो देखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण के संबंध में पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, घर्षण गति का विरोध करता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पाइच, टेस्ला, डायोप्टर, कैंडेला। ऑप्शन बी, टेस्ला। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कौन सी धातु ताप की अच्छी सुचालक है परंतु बिजली की नहीं? ऑप्शन बी, अभ्रक। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो गैर सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑप्शन ए, प्रोटीन। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा जो कि ट्यूमर के बारे में बताती है? ऑप्शन सी, ऑनकोलॉजी। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेट का रासायनिक प्रतीक है? कौन सा विकल्प है जो कि लेट का रासायनिक प्रतीक है? के, पी वी, ए यू, एन ए। ऑप्शन बी, पी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके प्रयोग के द्वारा धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? किसके प्रयोग के द्वारा धातु की जो उच्च शुद्धता है ये प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन डी, विद्युत अपघटनी अपचयन। नवे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, इसे बोलते हैं रिकेट्स नामक विकार उत्पन्न होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ऑप्शन सी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसोटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? आंशिक आश्वन की तकनीक का प्रयोग होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको ये बताना है कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी, उपरक्त क्षेत्र लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नाट्य कला किस्सा राधा कन्हैया के रचयिता कौन है? शास्त्रीय नाट्य कला किस्सा राधा कन्हैया के रचयिता कौन है? तो गाइस, इसके रचयिता है नवाब वाजिद अली। ऑप्शन जो ए है आपका, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो गाइस, ये स्थित है प्रयागराज में। 39वां क्वेश्चन देखिए, लखनऊ कला के उत्कृष्ट उदाहरण बड़ा इमामबाड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक दौला, अकबर, शाहजहां, ये सभी। देखिए, लखनऊ कला के उत्कृष्ट उदाहरण बड़ा इमामबाड़े का निर्माण कराया गया था अशोक दौला के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले हैं जो मथुरा में लगते हैं, वो ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना ये कहां पर स्थापित किया गया था? तो गाइज, ये स्थापित किया गया था मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन जो डी है आपका, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना
वर्ष 1916 में हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आंसर हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर अवस्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ऑप्शन बी, मेरठ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद। यह है फैजाबाद, आपको ध्यान में रखना है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया 1 जून 1971, 1 जून 1970, 1 जून 1973, 1 जून 1972 को, कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जून 1972 को। अगला क्वेश्चन देखिए, एंडी मरे किस खेल से जुड़े हुए हैं? एंडी मरे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप रमण भाई पारिक का निधन हुआ? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। ऑप्शन डी, गुजरात। देखिए गाइस, 16 तारीख को आपका एग्जाम होना है, आपको करना क्या गया है? तो सबसे पहले देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। यदि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, मास्क लगा के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं, और सैनिटाइजर भी लेके जाएं, और साथ में एक पानी की बोतल भी लेके जाएं, तभी आप एग्जाम देने के लिए जाएं। और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें आप लोग, तभी आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, करतारपुर कॉरिडोर निम्न दो देशों का बॉर्डर कॉरिडोर है? भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन। तो करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का कॉरिडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री सत्य साई सनातन संस्कार परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी? इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी थी? ऑप्शन जो बी है आपका, काकेगावा, जापान। अगला क्वेश्चन देखिए, उस संगठन का नाम बताइए जिसने डूइंग बिजनेस 2020 कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन 190 इकोनॉमिक्स रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है? विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन, दो हिंदू पौराणिक ग्रंथों का नाम बताएं जिसका अनुवाद अंग्रेजी में अर्थशास्त्री और लेखक विवेक देवराय ने किया था? ऑप्शन जो बी है आपका, मार्कंडेय पुराण और भगवत गीता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उस भारतीय शहर का नाम बताइए जो ओखला द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल डाउनलोड गति में सबसे ऊपर है? हैदराबाद, इंदौर, विशाखापट्टनम, मुंबई। ऑप्शन जो डी है आपका, मुंबई, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 2019 और 2020 के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी का विषय क्या होगा? इसका विषय होगा ऑप्शन सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लक्ष्मी आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया था? भारत की लक्ष्मी आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया था? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण और पुष्पला वेंकट पीवी सिंधु। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बीएसएनएल के साथ किस इकाई का विलय करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गाइस, ये आयोजित किया गया था ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले कचरा कैफे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? भारत के पहले कचरा कैफे का उद्घाटन कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने सबसे बड़ा, सबसे लंबा हिंदू त्यौहार
बड़ा दशाइन मनाया है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। किसने मनाया है? ये मनाया है नेपाल ने। ऑप्शन जो ए है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1980 में डॉट 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 ने उर्दू को बिहार राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषणा की। जगन्नाथ मिश्रा, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, रघुवर सिंह। ऑप्शन ए जगन्नाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाफ पहली पिंक बॉल टेस्ट श्रृंखला खेली है? बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका। ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने 86 किलोग्राम वर्ग में संयुक्त विश्व कुश्ती UWW 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राहुल अवारे, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया। ऑप्शन वी दीपक पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस WTD 2019 के दौरान किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2019 मिला? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा। ऑप्शन बी है जो आपका आंध्र प्रदेश, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री EACPM की पुनर्गठित आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनागरिया, सुरजीत भल्ला, रथिन रॉय, विवेक देवराय। ऑप्शन डी विवेक देवराय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत सरकार द्वारा घोषित नई बीज विकास नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य क्या था गाइस? ऑप्शन ए विश्व में कहीं से भी उन्नत किस्म के बीज लाकर कृषकों को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में फर्मों के विलयन तथा अधिग्रहण को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? ऑप्शन बी उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप प्रैक्टिस करिए, आप करने लगेंगे। ऑप्शन जो ए है आपका घास, टिड्डा, मेढक और सर्प, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है? ऑप्शन ए जल का प्रकाश अपघटन। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, सूची एक में है नदी संगम, सूची दो में नदी संगम पर बसे नगर। तो आंसर सबसे पहले क्लियर करता हूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है जो आपका, ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना, देखिए ऑक्सफोर्ड, शरवेल तथा टेम्स, सेंट लुइस, मिसौरी और मिसिपिया। ठीक है, खार्तूम, सफेद और नील नदी, पटना, गंडक और गंगा। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। ऑप्शन जो बी है आपका महाराष्ट्र, ये सही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय भारोत्तोलक का नाम बताइए जिसे 27वें एकलव्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। पूनम यादव, कर्णमल्लेश्वरी, झूली दलवहरा, सेखोम मीराबाई चानू। ऑप्शन सी छोली दलवहरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? दिव्य, अजीत कुमार, शिवांगी, प्रिया, जिगन, मिताली, मधुमिता। ऑप्शन बी है जो आपका सही हो जाएगा, शिवांगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 नवंबर 2019 को कौन से वित्त संस्थाओं का बोर्ड संभाला था? ऑप्शन सी है जो आपका दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, DHFL। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने विश्व प्रतिभा रैंकिंग WTR 2019 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है?
संयुक्त राष्ट्र यूएन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध विकास संस्थान आईएमडी, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो गाइस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध विकास संस्थान, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।